हेलो भाई, तो मैं हूँ आयुष। और भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आज आपको बताने वाले हैं कि भाई क्या सोनेट के ना स्पीकर टेस्ट करेंगे कि भाई ये किस किस का स्पीकर भाई कैसे हैं। और भाई इसमें ना आपको चार स्पीकर और आगे में दो अपने ट्विटर देखने को मिलते हैं। और मैं बताऊँगा कि भाई आपको कैसा जो है वो इनका आउटपुट मिलता है। और बताऊँ अगर आप जो आगे बैठ के सुनते ना तब आपको ना ऑडियो एक्सपीरियंस भाई थोड़ा अलग मिलता है। अगर आप पीछे बैठ के सुनते हो तो भाई आपको ना ऑडियो एक्सपीरियंस अलग मिलता है। आगे भाई आपको जो ऑडियो है वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और भाई पीछे ना आगे के मुताबिक पीछे बैठते तो भाई पीछे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको लगती है ना कि भाई जो साउंड है वो पीछे वाले स्पीकरों से आ ही नहीं रहा है। आपको लगेगा कि भाई जो साउंड है वो सिर्फ अपने आगे आगे से आ रहा है। इसका मतलब भाई आगे वाले स्पीकर की तो जो क्वालिटी है वो ठीक है, लेकिन भाई पीछे वाले जो अपने स्पीकर है उनकी क्वालिटी भाई यहाँ पर आपको ना इन्फीरियर देखने को जो है मिलती है। अब भाई हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में। बताता हूँ कि भाई आपको ना साउंड से रिलेटेड क्या चीज जो है वो अपने आपको यहाँ पे ना मेनली फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेटिंग्स में आकर ना आपको एक अलग सा ही साउंड का सेक्शन मिलता है। इसमें आपको को जो है वो यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे फीचर मिलते हैं। ये है भाई एडवांस में हमारा स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। इसका मतलब भाई आपके जो कार के ना वॉल्यूम के हिसाब से ही जो है वो आपके कार के स्पीड के हिसाब से जो है वो आपका वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट हो जाता है। आपको जो है वो अपने ना कौन से स्पीकर से जो है वो आवाज़ अपनी चाहिए। अगर मैं जो भी इसको आगे ऐसे ऐसे कर दूंगा तो भाई सिर्फ और सिर्फ मेरे जो है वो आगे वाले स्पीकर से आवाज़ आएगी। सेंटर पे कर दूंगा तो भाई चारों स्पीकर से आवाज़ आएगी। और भाई अगर मैं जो हूँ पीछे कर दूंगा तो सिर्फ मेरे पीछे के दोनों स्पीकर से आवाज़ आएगी। और अगर मैं जो हूँ इधर करके अगर मैं बीच में करके इसको लेफ्ट साइड कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पीकर से आवाज़ आएगी। जो अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ तो ये रेडियो चल रहा है, छोड़ दो भाई सुनो मत, मैं आपको गाना चला के सुना दूंगा। और अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ना लेफ्ट के आगे पीछे के स्पीकरों से आवाज आ रही होगी। इसको कर दोगे यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है फोकस इन सेंटर। इसका मतलब आपको जो है चारों स्पीकर से यहाँ पर आपको साउंड मिलेगी। यहाँ पर जो है वो आपको वॉल्यूम लेवल्स मिलते हैं। सिस्टम साउंड मतलब आपको जो बीपी कितनी साउंड चाहिए, रिंग टोन अगर आप जो करते हो उसके कितनी साउंड चाहिए, इसको आप जो है वो यहाँ पर ना अपना प्लस माइनस दिया हुआ इससे आप जो एडजस्ट कर सकते हैं। इक्वलाइजर यहाँ पे आपको ना कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है कि भाई आप जो है वो अपना बेस हो गया, मिड हो गया, ट्रबल हो गया, आपको जो है वो कितना चाहिए। और भाई एक चीज बता दूं, अगर ना मैं जो ना इसका बेस ऐसे फुल करके सुनता हूँ ना तो भाई क्या सुनने का नहीं, ये जो है वो आपका डोर खड़कता है। और भाई मैंने इसको सर्विस सेंटर पे दिखाया तो भाई उन्होंने जो है वो मेरी ना इसका ऐसे सेंटर पोजिशन पे कर दी। और मेरे को ना उतना कुछ ना सेटिस्फैक्ट्री वहाँ से भाई अपनी सर्विस देखने को नहीं मिली। और भाई अभी तक ना इसमें से आवाज आ ही रही है, एक साल हो गया। और भाई हमें भी ना टाइम नहीं है कि भाई बार बार इसको जाके दिखवाएं। और भाई और अपने ना एक ही बार गए थे उसी टाइम, भाई अगर किया वाले कुछ अच्छा कर देते तो भाई बढ़िया रहता। और भाई यहाँ पे जब आपको ना रेडियो एफएम में नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता है कि भाई जो घर घर से आपको आवाज आती है आपको कैसी चाहिए, यहाँ पर आपको ओरिजिनल साउंड और भाई स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। वॉल्यूम रेशियो में जो है वो आपको पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी और भाई वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन सेटअप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब अगर आप जो अपना सिस्टम को ऑन करते हो तो भाई ऑटोमेटिक जो है वो साउंड थोड़ा सा ना कम हो जाती है। और भाई यहाँ पे जो आपको डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है इसको मतलब जो फैक्ट्री सेटिंग अपना डिफॉल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब भाई आपको जो है ना सुनाता हूँ अपने जो है वो साउंड। यहाँ पे मैंने ना फोन कर लिया था अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट और भाई एनसीएस ने एक मस्त सा कॉपीराइट सा गाना बजा के आपको जो है वो सुनाता हूँ। भाई साउंड जो है वो फुल है यहाँ पर, आगे बैठकर ऐसा मिलता है। अगर कार से उतर जाते हो तो भाई बाहर आपको ऐसे साउंड देखने को मिलती है।
और भाई मेरे हिसाब से ना जो स्पीकर है ना भाई आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलता है। मेरे हिसाब से ना आपको इसको ना बाहर से जो है वो इसमें ना कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो आपके बेस है मिड है ट्रबल है ना आपको यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो भाई आज की जो है ना छोटी सी कुछ वीडियो ऐसी थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होगी। भाई छोटी सी क्यूट सी वीडियो थी और भाई उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। पसंद आएगा तो भाई लाइक शेयर कमेंट किया मत जाना। तो भाई आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।